देखिए, मैं समझती हूँ कि मर्द जो है ना, मर्द की जो पर्सनालिटी है पता है कहाँ सिफर हो जाती है। एक शानदार गाड़ी हो उसके पास, बड़ी शानदार गाड़ी हो, शानदार गाड़ी से वो उतरता हो और उसका मुंह भरा हुआ हो किस चीज़ से, पान से, या वो जो आजकल पता नहीं क्या क्या मावे, मैन पूरियाँ, गुटके, इस चीज़ से अगर भरा हुआ उसका मुंह, और वो उस शानदार गाड़ी से उतर के साइड पे जाता हो थूकने के लिए, और चार छह लोग उसे थूकते हुए देखते हो, वहाँ मर्द की पर्सनैलिटी ख़त्म, सिफर हो गई। देखो, पान खाना बुरी बात नहीं है, पान आप खा रहे हो ना, चलो कोई बात नहीं, हफ्ते में एक दो दफ़ा आपने खा लिया, कोई बुरी बात नहीं है, उसमें कोई लौंग डाल ली, कोई इलायची डाल ली, कोई सौंफ डाल के खा लिया, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये मावा, ये मैनपुरी क्या है भाई, ये क्यों अपनी पर्सनैलिटियाँ ख़राब कर रहे हो? देखो, बेचारी औरतें जो है ना, सबसे ज़्यादा शर्मिंदा होने लगी हैं, पता है किस बात से? अब किसी शादी में उसकी कोई सहेली मिल गई है ना, अब उसको ना उसकी सहेली ने कह दिया कि अब यार मिलवा दो, भाई से तो मिलवाओ, हम भी तो मिले, हमने तो देखा ही नहीं। चलो जी, अब वो बेचारी नज़र दौड़ाएगी, नज़र दौड़ा के उसकी एक जगह जब नज़र टिकेगी, देखेगी शौहर तो हाथ में मावा मल रहा है खड़ा हुआ, ये मैनपुरी मावा, वो मल रहा है खड़ा हुआ। और जब उसकी अच्छी तरीके से मलाई हो जाएगी, फिर वो मुंह में रखेगा, मुंह झाड़ेगा, हाथ झाड़ के फिर आएगा वो। अब वो बेचारी जब देख लिया, वो उसके लिए तो शर्मिंदगी कि मैं क्या मिलवाऊँ अपने दोस्त से या अपनी सहेली से या अपनी कज़न से इस आदमी को। तो फिर वो क्या करती है बेचारी, वो कहती है चलो यार अभी मसरूफ़ होंगे, हम कहीं और आगे सबसे मिल लेते हैं। ये पर्सनैलिटी ख़त्म कर लेता है मर्द। अब अगर वो आ भी जाता है ना मिलने के लिए, मुंह उसका लबालब भरा हुआ होगा, अब कोई बात भी करना चाहे ना तो पहले इशारे से बोलेगा रुको मैं ज़रा थूक लूँ, अब वो थूक कर आएगा तो बात करेगा। अब 10 लोग सोचेंगे इस बारे में कि देखो भाई ये तो हाल है। अब वही लोग जाकर फिर अपने घर में बातें बनाते हैं, पता है क्या बोलते हैं, फलां का शौहर, फलां का दामाद ऐसा है, मैनपुरी खा रहा था, मुंह में मैनपुरी भरी हुई थी, पता नहीं क्या सोच के शादी कर दी, क्या सोच के अपनी बेटी दे दी। ये इस तरह की फिर रिश्तेदार बातें करते हैं जो लोग देख के जाते हैं, ना करो। चलो ठीक है, किसी खा रहे हो ना, लेकिन किसी महफिल में जाओ, कम से कम वहां तो थोड़ा सा परहेज कर लो इन चीजों से। बीवी को तो शर्मिंदा ना करवाओ, घर वालों को तो शर्मिंदा ना करवाओ कम से कम। बीवी नहीं पास बैठ सकती भाई, इनके मावे की बदबू, मैनपुरी की बदबू, बीवी पास बैठ ही नहीं सकती। बात करेगी तो, बात करेगा तो मुंह से थूक गिरेगा, अब वो कपड़े गंदे, पान खाएगा, गुटखा खाएगा, कपड़ों पे गिराएगा, अब वो बीवियां बेचारियां रगड़ेंगी कपड़े बैठकर, उनकी हड्डियों में दर्द हो जाएगा फिर बेचारियों के। चलो ये तो नॉर्मल बात है, ये नहीं सोचते कि अल्लाह माफ़ करे इससे नुकसान किसका है, ये गुटके मावे पान से नुकसान किसका है, इनका खुद का। ये नहीं सोचते अल्लाह हमारे बच्चे हैं आगे, हमारी बीवी है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे अगर हमें मुंह में कुछ हो जाए इसको खाने से, अल्लाह माफ़ करे, वैसे तो मुंह का कैंसर इसी से होता है, मैंने तो ये सुना और देखा है। सोचते ही नहीं कि अल्लाह ना करे अगर हमें ऐसा कुछ हो जाए तो, ये तो चीज़ फिर दुनिया से लेकर ही जाती है, दुनिया में छोड़ के थोड़ी जाती है इंसान को, क्या होगा उन बेचारों का, कौन देखेगा उन्हें भाई। ना करो, अपने हालों पर रहम करो, मत करो। बच्चों को भेजते हैं लेने के लिए, बच्चों से अगर पूछो कहाँ जा रहे हो भाई, ये क्या चीज़ है तुम्हारे हाथ में, बच्चे बोलेंगे पप्पा का मावा है। अब अगर आप बच्चे को लेने भेज रहे हो ना, तो बच्चा सोचेगा कि पता नहीं क्या चीज़ जो हमारे पप्पा खाते हैं ये, फिर वो बच्चा भी खाना शुरू कर देगा बड़ा होकर, फिर ये नस्ल दर नस्ल चलती है। मैं ये नहीं कहती कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं या सारी औरतें एक जैसी होती हैं, ये तो आप लोग कहते हो, मैं थोड़ी कहती हूँ। जाहिर सी बात है, हर मर्द एक जैसा नहीं होता या हर औरत एक जैसी नहीं होती, लेकिन भाई फिलहाल जो हैं वो तो सोचा करें इन चीज़ों को, क्यों नहीं सोचते, अपने हालों पे क्यों रहम नहीं करते।